भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत सरकारी अस्पतालों की कुछ अलग ही है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे ही है। प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन ही नहीं है। कुछ दिन पहले ही ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में हुई मौतों के बाद भी स्वास्थ्य महकमे में इस कदर लापरवाही की 5 माह से जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरतगढ़ में ऑक्सीजन नहीं है। बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरतगढ़ में मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाकर भर्ती लिया जा रहा है। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि पिछले 5 महीनों से ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का 5 माह से ना होना अस्पताल तथा जनपद के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोलने के लिए काफी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरतगढ़ हमेशा अपनी हरकतों से चर्चा में रहने वाला है। जनपद का यह अस्पताल और इस अस्पताल की लापरवाही हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार लापरवाही की तो हद हो गई। जब पिछले 5 महीनों से अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस कदर अस्पताल की एनएम दिखा रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है। जब इस बारे में जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं। ये जिम्मेदारों के बयान ही ये बताने के लिए काफी है कि जिले के स्वास्थ्य महकमा किस कदर लापरवाह है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी, खास रिपोर्ट। हाँ, वही जो नहीं करवाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है गोरखपुर से जाता है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, गोरखपुर से व्यवस्था नहीं थी तो है एक तो नहीं, लेकिन जिनको जरूरत होती है चाहे माँ हो या बच्चा हो उसके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि नौगढ़ यही नहीं है, 20-22 किलोमीटर में उसको वो लैकिंग, वो कमी जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें एक जान है, ऑक्सीजन से उसकी जान बच सकती है। और पंप कर करके आप खाली हम बैग से सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। अधिकारी सबको पता है, अधीक्षक को सारे बात की नॉलेज रहती है, ऐसा नहीं कि अधीक्षक को कुछ नहीं पता है। पिछले 5 महीने से जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ है तब से अधीक्षक को मैंने एक बार भी नहीं देखा कि उन्होंने पूछा हो या बताया हो या भरवाया हो, या यहाँ लेबर रूम का नहीं वार्ड का भी कहीं का। कितने दिन से ऑक्सीजन नहीं है? 5 महीने से मैं काम कर रही, मुझे तो 5 महीने से ऑक्सीजन खाली ही मिला।